पार्षद ने अपने चुनाव क्षेत्र में कितना काम किया उसका पता अब चल रहा है, क्योंकि वोटर ज्यादातर इलाकों में नाखुश दिखाई दे रहे हैं। सिंगू गांव के लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, लेकिन पिछले पार्षद ने कोई काम नहीं किया। यहां के लोगों ने पार्षद को 15 कार्य की लिस्ट सौंपी थी, जिनमें से सिर्फ एक ही काम हुआ। इस गांव से आप उम्मीदवार को ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विधायक भी आप पार्टी से हैं, लेकिन जिस तरह का विधायक का रुख रहा है उससे लोगों में नाराजगी है। उधर कुछ लोग इतने नाराज हैं कि नेताओं पर भरोसा ही नहीं रहा। एक वोटर ने तो दिल खोल कर नेताओं की तुलना बाजारू औरत से कर दी। 5 साल तक पार्षद की सीट पर बैठने के बाद अब नेताजी सड़क पर हैं, और सीट किसे मिलेगी इसकी चाबी जनता के हाथों में। निगम चुनाव किस आधार पर वोट करेंगे? विकास के नाम से। कैसा उम्मीदवार चाहिए? जो आगे विकास करे, गांव में कुछ काम नाली गलिया बनवाए। इलाके में कितने काम बचे आपके जो कराना चाहोगे? सारे सारे काम बने हैं जो कहते हो। उम्मीदवार जो वादे करते हैं उन पर कितना भरोसा है? जो उम्मीदवार वादे करते हैं वो काम करते नहीं आगे, वादे के वादे रखे ही रह जाते हैं। विकास के आधार पर वोट देंगे। उम्मीदवार क्या चाहेंगे आपकी? उम्मीदवार जो आगे काम करे ऐसा उम्मीदवार हो, खाली वादे करने से क्या होता है। इलाके में आपके यहाँ कितने काम बचे हैं जो करना चाहिए? सारे बच रहे हैं भाई, ये तो सबसे पहले ये काम देख हमारे सामने। उम्मीदवार जो वादे करते हैं उन पर कितना भरोसा है? भरोसा है नहीं बिल्कुल भी। 5 साल का जो आपके पार्षद का कार्यकाल था उससे कितने संतुष्ट है, कितने नंबर देंगे? संतुष्ट क्या, जब काम बना हो गया तो सारी संतुष्टि है। कितने नंबर देंगे? नंबर क्या देंगे उसको, 0 तो क्या, 10-20 नंबर तो दे देंगे। सूरज भंजी निगम चुनाव में किस आधार पर वोट करेंगे? विकास के लिए करेंगे, जो गाँव में विकास होना चाहिए। उम्मीदवार क्या चाहिए? उम्मीदवार जो पहले बनाए थे वो उन्होंने आज तक यहाँ कोई सर्वे भी ना करा, काम भी ना किया, और अब जो हम वैसा ही चाह रहे हैं, जो काम करें उसी को चुनेंगे। आपके इलाके में कितने काम बचे जो करना चाहोगे? इलाके में काम तो काफ़ी बचे, जो एक प्लान चलेगा पूरा का पूरा को काम तो है नहीं गाँव। उम्मीदवार जो वादे करते हैं उन पर कितना भरोसा है? उम्मीदवार तो एक दो पहले MLA था हमारा इस एरिया में, जो था वो तो अब आम पार्टी वाले आ रहे हैं, इन्होंने तो काम नहीं किया। पहले कांग्रेस के थे काउंसलर और MLA भी, दोनों ने काम किया। 5 साल के पार्षद के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है, कितने नंबर देने चाहेंगे? उसको नंबर तो बिल्कुल ना देना चाहिए, ये काम ही नहीं किया तो नंबर भी क्या देंगे उसे। रमेश जी, आने वाले निगम चुनाव में किस आधार पर वोट करेंगे? जो अच्छा काम कर रहा है उसकी देख रहे हैं भाई। उम्मीदवार क्या चाहेंगे आपके पास? कुछ देखने पता लगा, अभी तो आए नहीं, अभी मिले नहीं कोई। उम्मीदवार जो वादे करते हैं उनको कितना भरोसा है? क्या उम्मीदवार जो वादे करते हैं कितना भरोसा है उनको? भरोसा जब कराए तो कोई अभी तक आया ना कोई, जो पहला करे थे उनने किसी ने अच्छा काम कराया नहीं। इलाके में कितने काम बचे जो कराना चाहोगे? काम तो बहुत बच रहे हैं, क्या है। 5 साल का जो पार्षद का कार्यकाल था आपके यहाँ पर, कितने संतुष्ट है उससे, कितने नंबर देना चाहिए? कितने नंबर देने चाहेंगे? 100 में से क्या नंबर दे, जब काम में ना करे। महेंद्र सिंह जी, आने वाले निगम चुनाव में किस आधार पर वोट करेंगे? आधार तीनों बता दिया है, वही मेरा कोई काम करने वाला आदमी आएगा उसी को वोट दिया जाएगा। उम्मीदवार क्या चाहिए आपके पास? कैसा चाहिए ये कोई पूछने वाली बात, अच्छा से हमें तो जो काम करे, अब हमें कैसे पता चले कौन सी पार्टी का आदमी अच्छा काम कर रहा है। इलाके में आपके यहाँ कितने काम बचे जो कराना चाहिए? सारे 14-15 पॉइंट मन लिख के दिए थे गाँव की तरफ से जी, और वो एक काम हुआ, बाकी सारे पेंडिंग पड़े हैं। उम्मीदवार जो वादे करते हैं कितना भरोसा उनका? और बताया 1% कर गया, वो कर गया 15 पॉइंट चेक किया है, कितना भरोसा उनके वादों पर है? अभी फिलहाल कोई भरोसा नहीं है। 5 साल का जो पार्षद का कार्यकाल था, कितने संतुष्ट हैं, कितने नंबर देना चाहिए? नंबर हम उसको दे रहे हैं 10% 10 पॉइंट। लक्ष्मी जी, आने वाले निगम चुनाव में किस आधार पर वोट करेंगे? जीतना करता वोट करने पर करनी पड़ेगी, सारे गाँव है। कैसे उम्मीदवार चाहेंगे? उम्मीदवार तो सब बढ़िया चाहो पर मिलता तो कोने की। इलाके में कितने काम बचे जो कराना चाहोगे? सारे बच रहे हो या ना कुछ भी।
उम्मीदवार जो वादे करते हैं कितना भरोसा होगा? वो ईशा लालू जी से भरोसा कर ले। पाँच साल का जो पार्षद का कार्यकाल थापते हैं उससे कितने संतुष्ट है, कितने नंबर देंगे? नंबर तो वो दौरा उठे बैठे ना, नंबर देने तो जीना करता। कोई ऐसी चीज आपके गाँव में जो सालों से रुकी पड़ी हो या फिर काम ही नहीं हुआ कभी? पंचायत घर है, बरात घर है, ब्रिटिश का स्टैंड भी नहीं, और तो क्या पता दिल्ली के गांव का, ये नहीं पता कहाँ का स्टैंड है। सजीत जी आने वाले निगम चुनाव में किस आधार पर वोट करेंगे? आधार पर इस पे है जी, ये गंदा पानी यहाँ से वो नलकों में गंदा पानी जाता है, ठीक, यहाँ से कनेक्शन ये खुला ही छोड़ के गए, जो पानी यहाँ से निकलता रहता है वहाँ से निकलता पानी। उम्मीदवार क्या चाहेंगे निगम चुनाव में? अब की बार निगम चुनाव देखते, जो हमारे यहाँ काम अच्छी तरह कराएगा जो उसी का वोट दिया जाएगा। इलाके में कितने काम बचे जो कराना चाहोगे? काम इसमें यहाँ का रोड पूरा हमारा ये पूरा टूटा हुआ है रोड इधर का, और ये गलियों में भरी रहती है नाली भी, ये ऐसे बहुत काम है। उम्मीदवार जो वादे करते कितना भरोसा उन पर? उम्मीदवार तो ज्यादा कर कुछ करते ही नहीं है। जो 5 साल का आपके यहाँ पार्षद का कार्यकाल था उससे कितना संतुष्ट है, कितने नंबर देना चाहेंगे 100 में से? हमारी सड़क ये टूटी पड़ी है जी, अब तक तो ये हो ही नहीं जब से वो बना था 5 साल के अंदर।